खबरें विस्तार से। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने डिप्टी सीएम को महाठग बताते हुए कहा कि दुष्यंत ने प्रदेश के किसानों का वोट लेकर बीजेपी की गोद में बैठने का काम किया है। नरवाल ने मंगलवार को पानीपत के इसराना में उप मुख्यमंत्री के दौरे का भी विरोध करने का ऐलान किया है। अन्य जिलों की तरह संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सोनीपत के गोहाना में भी किसानों ने भारतीय खाद्य कॉरपोरेशन को लेकर धरना दिया। सुने क्या बोले किसान नेता। ऐसा जी, जो FCI है ये किसान किसान की नहीं, ये मजदूर की भी इतनी है। जो हमारी राशन वितरण प्रणाली में जो अनाज जाता है वो FCI से होके जाता है, ठीक है। अगर FCI खत्म होती है तो ये नहीं कि किसान के ऊपर कुहाड़ी बज रही है, जो एक BPL परिवार है उनकी भी जीवन रेखा कही जाने वाली बात है कि उनकी भी जीवन रेखा को काटने का काम करी है सरकार। हमारा ये कहना है FCI को सरकार बंद करने जा रही है, और शांता कुमार की कमेटी ने भी स्पष्ट सरकार को अपना वो भेज दिया है कमेटी की रिपोर्ट कि FCI की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से कॉरपोरेट को खेती सौंपने के ये कानून है, उसे पूरी तरह से खेती पर कॉरपोरेट का कब्जा हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो है FCI खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सरकार जब MSP नहीं देगी, सरकार खरीदेगी नहीं, कॉरपोरेट जो है वो अनाज खरीदेंगे, तो फिर माने भाव जो है वो जनता को बेचेंगे, जिससे जनता जो है दाने दाने की मोहताज हो जाएगी। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने मंगलवार को पानीपत के इसराना में होने वाले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के दौरे को लेकर क्या कुछ कहा, सुने। दुष्यंत है वो कहता कि 6 तारीख को यानी कल मैं इसराना में आके दिखाऊंगा। यहाँ की जनता ने भी मन बना लिया है, अगर वो इसराना में आया तो सारा पिछला हिसाब उससे कल इसराना में लिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने दुष्यंत चौटाला को महाठग बताते हुए क्या कुछ कहा, ये भी सुन ले। बिल्कुल, दुष्यंत चौटाला महाठग है। इस प्रदेश की गरीब जनता के किसान और मजदूर की वोट लेके आज उन BJP की गोदी में जाके बैठ गया है। हम इसका विरोध करते हैं, और परसों रोहतक में खट्टर साहब भी गए थे, उसका भी विरोध किया। हमारे बुजुर्गों के सर फोड़े गए, हमारे नौजवान साथियों की हड्डियां तोड़ी गई। कल आवली में उसका हिसाब लेना था, लेकिन आवली में नहीं आया। किसान केंद्र और प्रदेश की सरकार से नाराज हैं। सूबे में BJP के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली JJP से भी किसान संगठन नाराज हैं। ये नाराजगी BJP और JJP पर कितनी भारी पड़ेगी, इसकी बानगी आने वाले दिनों में होने वाले पंचायत चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। सोनीपत से टोटल न्यूज के लिए सुनील जिंदल की रिपोर्ट।